या रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर बयान देकर बुरे फंस गए राहुल। राहुल गांधी को नोटिस भेजने की तैयारी में क्यों है महिला आयोग? राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा था, लेकिन रक्षा मंत्री पर दिए गए बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसकी जानकारी खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दी है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में नोटिस जारी करेगा। इस ट्वीट के साथ रेखा शर्मा ने अपने उस ट्वीट को भी टैग किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसे उन्होंने संसद में दिया था। राहुल के उस बयान को महिला विरोधी करार देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने पूछा है कि क्या वो सोचते हैं कि एक महिला कमजोर है। राहुल गांधी देश की रक्षा मंत्री को ही कमजोर बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर दिए गए निर्मला सीतारमण के बयान पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सीतारमण ने 2.5 घंटों तक भाषण दिया लेकिन उनकी सभी बातें बेकार हो गई क्योंकि वे एक सवाल का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता की अदालत से भाग गए और कहा कि सीतारमण जी मुझे बचाओ, मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, आप हमें बचाओ, लेकिन वो भी अपने 2.5 घंटों के भाषण में उन्हें नहीं बचा सकी। राहुल के इस बयान को भी पीएम मोदी ने महिला विरोधी करार दिया था। इसके बाद बीजेपी प्रमुख अमित शाह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत अन्य पार्टी के नेताओं ने भी राहुल के बयान पर पलटवार किया। लेकिन अब जिस तरह से NCW ने राहुल के खिलाफ नोटिस जारी करने का फैसला किया है उससे कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।